हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। अगर आप Xiaomi के एक रेगुलर यूजर हैं और काफी टाइम से जो है Xiaomi के फोन्स को यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा काफी साल पहले जो थे आप जो थे थर्ड पार्टी थीम्स को अपने थीम स्टोर के अंदर इंपोर्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद जो है कुछ नए इंस्ट्रक्शंस आए जिसमें आपका जो अकाउंट होता है वो एक थीम डिजाइनर अकाउंट होना चाहिए था, और उसके बाद जो था आप थर्ड पार्टी थीम्स को यूज करवाते थे। बट अब रिसेंटली जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं MIUI 12.5, अब आपको थीम्स के अंदर जो है कहीं भी जो है थीम इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, और काफी सारे लोग जो है थर्ड पार्टी थीम्स को अपने फोन के अंदर यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू जो है आप अपने फोन के अंदर जो है थर्ड पार्टी थीम्स को परमानेंटली यूज कर सकते हैं। ये 2021 की न्यू गाइड है, तो गाइड आपको जरूर पसंद आने वाली है, बट ये रूटेड यूजर्स के लिए है क्योंकि बिना रूट के आप अपने फोन के अंदर सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब काफी लोग ये कमेंट करेंगे रूट है बकवास है ये है फलाना है, तो भाई कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता ही है। मैंने आपको बताया है कि रूटिंग के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है क्या बेनिफिट्स हैं, उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब काफी लोगों को ये डाउट होता है कि रूट होने के बाद जो है बैंकिंग एप्लीकेशंस काम नहीं करते, ऐसा नहीं है, काफी चीजें फिक्स हो जाती हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा, उसको भी एक बार चेकआउट कर लिया। तो मैं आपको जो है आज ही अपने फोन में करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे फोन के अंदर अगर हम थीम्स के सेक्शन में जाते हैं, आपको यहाँ पे नीचे कोई भी इंपोर्ट का बटन देखने को नहीं मिलता है। तो आप जो है थर्ड पार्टी थीम्स जो है इसके अंदर कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक थर्ड पार्टी थीम जो है अपने फोन के अंदर सेव कर रखी है जिसका नाम है HTC Style MTZ। तो इस फाइल को आप इंपोर्ट कैसे करेंगे, काफी सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आते हैं जिसके थ्रू इंपोर्ट तो कर पाते हैं, बट कुछ मिनट्स बाद जो है थीम आपकी डिफॉल्ट मोड पे चली जाती है। तो अब जो है इसको आपने कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फोन आपका रूटेड होना चाहिए, रूटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी गाइड बना रखी कैसे आप फोन को रूट कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक मैजिस्क मैनेजर के जो पैच है इसको सेव कर लेना है, सारा का सारा जो क्रेडिट है इसके डेवलपर को जाता है। जो फाइल का नाम है वो है MIUI थीम पैचर, इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद सिंपली जैसे कि मैंने बताया कि आपका फोन रूटेड होना चाहिए, तो एक बार जो है आप जो मैजिस्क मैनेजर होता है उसको ओपन करेंगे। जैसे ही मैजिक मैनेजर को ओपन करते हैं मॉड्यूल सेक्शन पर जाइए, यहाँ एक ऑप्शन होता है इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, इस पर जाएंगे, फाइल मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे और इस पैच को आप ओके करके यहाँ पे फ्लैश कर लेंगे। कुछ ही देर में जो है ये जो है आपकी फाइल जो है आपके फोन के अंदर फ्लैश हो जाएगी और आपको नीचे एक रीबूट का मैसेज आएगा, अब आप रीबूट कर देंगे। रीबूट होने का वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे करना है। तो ये देखिए फाइनली फोन हमारा बूट हो चुका है। एक बार मैजिक में जाते हैं और चेक करते हैं वो मॉड्यूल जो है हमारा इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए ये मॉड्यूल जो है यहाँ पे आपको इंस्टॉल देखने को मिलता है। इन केस आपने इसको अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से रिमूव करके इसको रीबूट कर देंगे, तो ये बाकी जो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग थी वो आपको वापस आ जाएंगी। अब हमने मॉड्यूल तो इंस्टॉल कर लिया है, अब चलते हैं हम थीम स्टोर के ऊपर और चेक करते हैं वहाँ पे क्या वर्किंग है और क्या वर्किंग नहीं है। तो थीम स्टोर जो है आपका स्टार्टिंग में एक से दो बार क्रैश हो सकता है, तो आपको क्या करना है उसको ओपन करते रहना है। देखिए थीम स्टोर ओपन होता है, सभी परमिशंस को एग्री करेंगे। रिकमेंडेड में आपको जो है कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप थीम्स के सेक्शन में जाते हैं तो आपको थीम्स देखने को मिल जाएंगी। वॉलपेपर के सेक्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। आप डायनेमिक वॉलपेपर्स में जाएंगे वहाँ आपको कुछ देखने को मिलेगा। रिंगटोन्स में आपको रिंगटोन्स मिल जाती हैं, फॉन्ट्स में आपको फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे काम नहीं करेगा, आइकन पैक भी यहाँ पे काम नहीं करेंगे। हमारा मेन मोटिव है थीम्स को इंपोर्ट करना। तो माई अकाउंट पर जाते हैं तो आप देखेंगे आप जो लेआउट है थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, थीम कंपोनेंट्स भी आपको नए तरीके के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हम थीम सेक्शन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे एक इंपोर्ट का बटन देखने को मिल रहा है, तो ये देख पा रहे हैं इंपोर्ट का बटन जो है फाइनली जो है अब आपके फोन के अंदर आ चुका है। अब किसी भी थीम को इंपोर्ट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने HTC की थीम जो है सेव कर रखी अपने फोन में, तो हम इंपोर्ट पर टैप करते हैं, हम अपनी फाइल मैनेजर में जाएंगे और उस थीम को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए ओके करते हैं और इसको ओके कर लेते हैं, तो ये देखिए ये थीम जो है अब हमारे फोन के अंदर यहाँ पे आपको शो कर चुकी है। अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अलाउ करता हूँ, और ये देखिए थीम जो है हमारी अप्लाई हो चुकी है और जो चेंजेस हैं ओवरऑल हमको देखने को मिल चुके हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की थीम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर स्टेटस बार के आइकन्स देखने को मिलते हैं, और कुछ इस तरीके के आपको क्विक टॉगल स्विच के देखने को मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी थर्ड पार्टी थीम जो है अब अपने फोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक मैजिस्क मॉड्यूल को यूज करना है और आपका फोन रूटेड होना चाहिए। ये मेथड मैंने अपने पोको F3GT फोन के अंदर किया है, और हम इसके अंदर जो है ग्लोबल इंडियन रोम ही यूज कर रहे हैं, कोई हम चाइना रोम यूज नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि हम चाइना रोम यूज कर रहे हैं। बस इसने एक क्या किया है कि जो आपकी थीम है उसको पैच किया है और उसके अंदर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दे दिया। बट हाँ, थीम्स में कुछ पेजेस आपके काम नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि थीम्स के अंदर कुछ पेजेस आपके काम नहीं करते, जैसे कैटेगरी, डेली हाइलाइट्स, सिर्फ होम स्क्रीन के ऊपर आपकी थीम्स काम करेंगी,
वॉलपेपर्स काम करेंगी, डायनेमिक वॉलपेपर्स काम नहीं करेंगे, रिंगटोन्स काम करेंगी, फॉन्ट्स काम करेंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा, और आइकन्स यहाँ पे यह काम नहीं करेंगे। हाँ, अब थर्ड पार्टी कोई भी इसके अंदर अब यूज़ कर सकते हैं। थीम्स में जाइए, इंपोर्ट पर जाइए और उस थीम को इंपोर्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है अब आप थर्ड पार्टी थीम्स जो है MIUI की, क्योंकि चाइना के अंदर जो है काफ़ी सारी ऐसी थीम्स होती हैं जिनको आप इंडियन वर्जन में यूज़ करना चाहते हैं बट उनको यूज़ नहीं कर पाते, तो इस तरीके से जो है आप उनको डाउनलोड करके उनकी MTZ फाइल को अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करके अब एक कंप्लीट नया लुक अपने फ़ोन पे पा सकते हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।